बहुत ज्यादा जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बुद्ध की गुफाएं हैं ये 17 साल में ही तैयार हुई हैं। लोग कहते हैं 300 400 साल में हुई हैं, ऐसा नहीं है। जब उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी और वो अंदर ही अंदर फड़फड़ाता था, तो उसकी पत्नी कहती थी कि जाओ 4 दिन अपनी प्रेमिका के पास घूम आओ। और वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करता और 4 दिन के लिए औरंगाबाद में जो बुद्ध की गुफाएं हैं अजंता की, उनके सानिध्य में आ जाता, उनकी छाया में आ जाता। वही उसकी प्रेमिका थी। 66 साल तक लगातार उसने अपनी उन बुद्ध गुफाओं का अध्ययन किया। अमेरिका से चलकर आता था, मिशिगन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, प्यार से औरंगाबाद के लोग, गुफाओं के आसपास के लोग, बच्चा बच्चा और उन बच्चों के बच्चे भी, सभी अंकल कहते थे। अंकल नाम पूरे औरंगाबाद में फेमस था बुद्ध गुफाओं में, कि ये जो अंकल हैं ये आते हैं और अपनी प्रेमिका बुद्ध गुफाएं, बुद्ध की लेनी, उनसे आके मिलते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको देखते हैं, उनके ऊपर किताब लिखते हैं, उनके ऊपर रिसर्च पेपर लिखते हैं, पूरी दुनिया में बताते हैं और अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहां बड़े ही उत्सुक रहते हैं। नाम था उनका वॉल्टर स्पिंक। आप वॉल्टर पिंक से समझ सकते हैं, वॉल्टर स्पिंक। वॉल्टर स्पिंक जब इंडिया आए अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ, तो उनका उद्देश्य था कहीं और की जो स्टोन की आर्ट होती है, यानी कि जो पत्थरों की आर्किटेक्चर होती है, पत्थरों के भवन की जो कला होती है, उस पर पीएचडी करने का। मगर वहां उनको परमिशन और इजाजत नहीं मिली, क्योंकि ऐसा कहा गया कि आप मांस मच्छी खाते होंगे तो यहां आपको एंट्रेंस, यानी कि आपको यहां अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वहां से अपना इरादा बदलकर वो जा ही रहे थे। किसी ने कहा कि बहुत ज्यादा पत्थरों को काट काट कर जो वास्तुकला यानी भवन कला बनाई है, भवन बनाए हैं, जो आर्किटेक्चर है, वो औरंगाबाद की अजंता की गुफा में है, एक बार देख लीजिए। पहले उनके बारे में कुछ पढ़ा भी था, बस जिज्ञासा वंश वहां दंपत्ति आए दोनों। और वहां आकर उस बिल्कुल ऐसी जंगलों में छुपी हुई गुफाओं को देखकर पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया और पूरा जीवन उनमें लगा दिया। ऐसा जीवन लगाया कि गुफाओं उनके नाम से और उनका नाम गुफाओं के नाम से हमेशा के लिए चिपक गया। वॉल्टर स्पिंक अब इस दुनिया में नहीं है। आज यानी 16 फरवरी को 2 साल पहले उनका शरीर का अंत हो गया, पर उनकी जो किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पर। अगर आप वॉल्टर स्पिंक, स्पेलिंग में नीचे दे रहा हूं, चाहे तो ऑल्टर में डब्ल्यू लगाना है वॉल्टर हो जाएगा और पिंक में एस लगाना है स्पिंक हो जाएगा, तो वॉल्टर स्पिंक नाम से अगर आप विकिपीडिया में डालेंगे तो उनका पूरा प्रोफाइल आ जाएगा। उनकी बहुत सारी वीडियोस भी हैं और बुक्स भी हैं, पेपर्स भी हैं, वो जो रेफरेंसेस हैं सारे के सारे वहां आपको मिल जाएंगे। अगर आप अजंता की गुफाओं में, पत्थरों की कलाओं में, पत्थरों के अंदर जो भगवान बुद्ध छिपे हैं, अगर उसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं तो। इसी में उन्होंने पीएचडी की, इसी में अपना पूरा करियर लगाया, अपने स्टूडेंट्स को लेकर आते थे। ये कमाल की बात है कि एक अमेरिकन अमेरिका से चल के यहां आता था बुद्ध की गुफाओं की जानकारी लेने के लिए, और यहां के जो लाखों और करोड़ों जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो अभी भी नहीं जा पाते औरंगाबाद में उन बुद्ध गुफाओं को देखने के लिए जो उनकी विरासत है। बहुत ज्यादा जानकारी उन्होंने दी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो बुद्ध की गुफाएं हैं ये 17 साल में ही तैयार हुई हैं। लोग कहते हैं 300-400 साल में हुई हैं, ऐसा नहीं है, एक ही राजा ने बनवाया है। इसका वो पूरा साइंटिफिक विश्लेषण देते हैं, कैसे कैसे पहली गुफा तैयार हुई जो बहुत अच्छी थी, दूसरी कम अच्छी थी, तीसरी और थी, यानी जल्दी जल्दी में वो पूरी कराई गई है। एक एक चीज को विस्तार से बताते हैं, जैसे पत्थर बोल रहे हों, जैसे गुफाएं बोल रही हों, ऐसा लगता है कि जैसे बुद्ध ने बताया कि जो व्यक्ति मन में अगर कोई उम्मीद या आस रखता है
या बहुत ज्यादा लगाव और रास होता है, और जब उसका शरीर का अंत होता है तो शरीर के अंत के साथ ही जो उसने पूरे जीवन में जो सबसे बड़ा संखारा यानी सबसे बड़ा राग एक्ट फॉर्मेशन यानी कोड यानी राग या द्वेष जो बनाया होता है, जब वो एक साथ फाइल वाईफाई के थ्रू निकलती है तो कहीं और शरीर ग्रहण करती है, जानवर का या मनुष्य का। तो ऐसा लगता है कि कोई बुद्ध का भिक्खु है या उपासक है या कोई उन गुफाओं को बनवाने वाला है या बनाने वाला है या उनको प्यार करने वाला कोई व्यक्ति फिर दोबारा से जीवित होके वोल्टर स्पिन के नाम से भारत में उन गुफाओं को खोजते खोजते पहुंच गया। आप वोल्टर स्पिन के बारे में जरूर पढ़िए, जरूर देखिए और उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अपनी पूरी जिंदगी अपनी पूरी तमाम जिंदगी में जो मेहनत करता है वो अजंता की गुफाओं को, बुद्ध की गुफाओं को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेरिटेज बना देता है जो यूनेस्को द्वारा प्रमाणित है। यानी कि आपकी ये जो धरोहर है ये अब विश्व की धरोहर है, अब पूरी दुनिया की धरोहर है जो अजंता की गुफाएं हैं, और ये गुफाएं पत्थरों के सीने को चीर चीर के बनाई गई हैं। एक एक छेनी के निशान वो बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि कब ये छेनी कैसे किस तरह से पड़ी है। उनका पूरा का पूरा मन उन्हीं गुफाओं में घूमता रहता है। आप जरूर जाइए, क्योंकि अतुल भोसेकर जी जो सेकंड नंबर पे गुफाओं के जानकार हैं और भारत में पहले नंबर के जो गुफाओं के जानकार होते जा रहे हैं जिन्होंने किताब भी लिखी है, उनके साथ फेसबुक पे मैंने कुछ फोटो उनकी देखी थी, वो फोटो मैं यहाँ डाल रहा हूं क्योंकि आने वाले समय के जो वोल्टर स्पिंक हैं वो अतुल भोसेकर जी और उनके जो स्टूडेंट हैं वही होंगे, वही लोग आगे इस काम को बढ़ाएंगे, और आप उनके काम को जरूर देख के आइए। धन्यवाद। Gacchami.